इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ पोनीज को दिखाया जाता है जिनकी तीन प्रजातियां थी, अर्थ पोनी, पेगासाई और यूनिकॉर्न, जिनके पास अलग अलग शक्तियां थी। कई सालों पहले तीनों प्रजातियों के पोनीज के आपस में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से तीनों प्रजातियां एक दूसरे से नफरत करने लगी और इस प्रकार तीनों प्रजातियों की पावर भी खत्म हो गई। वही सनी जो एक अर्थ पोनी है, वो अपने दो दोस्तों के साथ खेल रही थी जिनका नाम हिच और स्प्राउट था। सनी कहती है कि हम सभी पोनीज को मिलकर एक साथ रहना चाहिए जैसे पहले के जमाने में रहा करते थे। स्प्राउट कहता है कि पेगासाई और यूनिकॉर्न्स ने अपनी लेजर पावर से अर्थ पोनी को मिलकर खाने की कोशिश की थी, मगर अर्थ पोनी ने उन्हें हरा दिया। लेकिन सनी इस बात से एग्री नहीं करती और ने अपने पिता अर्गल के पास लेकर जाती है। स्प्राउट और हिच काफी मस्ती कर रहे थे, इसलिए अर्गल उन दोनों को घर जाने को कहते हैं। तभी स्प्राउट की मॉम फिलिस वहां आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था क्योंकि अर्गल तुम्हें फालतू की बातें सिखाता है, और ने लेकर वहां से चली जाती है क्योंकि वो अभी बाकी अर्थ पोनी की तरह पेगासाई और यूनिकॉर्न से नफरत करती थी। सनी और उसके डेड चाहते थे कि सभी पोनी एक बार फिर से मिलकर रहे, इसीलिए सनी और उसके डेड मिलकर पेगासाई और यूनिकॉर्न को लेटर भेजते हैं ताकि लेटर पढ़कर वो सभी उनके पास आ जाए। कई साल तक सनी ऐसा करती है मगर उसके पास कोई जवाब नहीं आता। वहीं कुछ सालों बाद सनी अब बड़ी हो चुकी थी और उसके पिता मर गए, मगर सनी अब भी सभी पोनीज को एक साथ मिलाने की कोशिश करती रहती है। वहीं इंस्पेक्टर बन गया, सनी एक पार्सल लेकर एक कैंडलॉजी फैक्ट्री के अंदर जाने लगती है, मगर स्प्राउट की मॉम ने सनी को फैक्ट्री में आने से बैन कर रखा था। स्प्राउट की मॉम कैंडलॉजी फैक्ट्री की फाउंडर थी, इसलिए स्प्राउट और ही सनी को अंदर नहीं जाने देते। ही सनी को अपना पार्सल स्प्राउट को देकर जाने को कहता है। स्प्राउट पार्सल को फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। वहीं फिलिस सभी को पेगासाई और यूनिकॉर्न्स के बारे में भड़काती है और ने अपनी फैक्ट्री के कुछ प्रोडक्ट दिखाती है जो कि पेगासाई से लड़ने में उनकी मदद करेंगे। सनी कंपनी के अंदर आ जाती है और सभी लोगों को पेगासाई और यूनिकॉर्न्स के बारे में बताने लगती है कि वो अच्छे हैं और हम चाहें तो सब मिलकर साथ रह सकते हैं, और सभी पोनीज को डरकर जीने से मना करती है। फिलिस सभी को डराने लगती है जिसकी वजह से कोई सनी की बात नहीं मानता। ही सनी को अपने साथ ले जाता है और से कहता है कि मैं तुम्हारा आखिरी दोस्त बचा हूँ और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मुझे भी खो दोगी। सनी अकेले उदास बैठी थी तभी वो सभी पोनीज को भागता देखती है। सनी के पास इजी नाम की एक यूनिकॉर्न आती है। ही चीजी को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए यूनिकॉर्न्स पकड़ने वाला जाल बिछा देता है जिसमें इजी फंसने वाली थी, मगर सनी उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है और इजी को बताती है कि अर्थ पोनी यूनिकॉर्न से नफरत करते हैं जिसकी वजह से सभी भाग रहे हैं। इजी सनी की बातों पर ध्यान नहीं देती, ही चीजी को एक पिंजरे में पकड़ लेता है। सनी इजी को पिंजरे से बाहर निकाल कर अपने घर ले जाती है जहाँ वो इजी से बहुत सारे सवाल पूछती है। हिच स्प्राउट के साथ सनी को गिरफ्तार करने आया था क्योंकि उसने एक यूनिकॉर्न्स की भागने में मदद की थी। सनी और इजी हिच को चकमा देकर घर से भाग जाती है। सनी को पता चलता है कि इजी को जादू नहीं आता जिसकी वजह से वो काफी उदास होती है और इजी से जादू के बारे में पूछती है। इजी बताती है कि मेरे अंदर जादू नहीं है पर कई साल पहले था जो कि अब गायब हो गया है। इजी सनी को बताती है कि यूनिकॉर्न्स को लगता है कि अर्थ पोनी काफी आलसी और गंदे होते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि यूनिकॉर्न्स को भी अर्थ पोनी की तरह भड़काया जाता है। सनी इजी से कहती है कि मैं तुम्हारा खोया हुआ जादू ढूंढने के लिए पेगासाई जाना चाहिए। इजी कहती है कि पेगासाई अच्छे नहीं होते। सनी कहती है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हो सकता है कि अर्थ पोनी की तरह तुम्हें भी पेगासाई के बारे में गलत सिखाया जाता हो, इसीलिए हमें चलना चाहिए, और दोनों पेगासाई सिटी जाने लगते हैं। वही जिस प्राउड से कहता है कि हमें सनी को पकड़ कर लाना होगा ताकि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस प्राउड इजी से डरता है इसीलिए वो साथ न जाने के लिए बहाने बनाता है। हिच उसे वहीं रुककर सभी का ध्यान रखने को कहता है और अकेले सनी को ढूंढने जाता है। इस प्राउड इससे जलता था क्योंकि सभी हिच को पसंद करते थे। फिलिस इस प्राउड से हिच के बारे में पूछती है, उसे पता चलता है कि हिच वहाँ नहीं है, इसीलिए स्प्राउट को इंस्पेक्टर बना देती है। स्प्राउट भी इंस्पेक्टर बनकर काफी खुश होता है क्योंकि वो बचपन से ही इंस्पेक्टर बनना चाहता था। वहीं जी सनी से कहती है कि हो सकता है कि पेगासाई तुम्हारी चमकती खुशबू चुरा ले। सनी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि उसने भी अपना जादू खो दिया था। तभी उनके ऊपर हमला होता है जिससे बचकर दोनों भागने लगती है और एक खाई के ऊपर चढ़ जाती है। उनके पीछे से एक पेगासाई आती है जिसका नाम जीव था। जीव यूनिकॉर्न्स और अर्थ पोनी को एक साथ देखकर चौंक गई थी। तभी वहाँ दो पेगासाई थंडर और जोम आते हैं जो कि पेगासाई के सैनिक थे, जिन्हें देखकर जीव वहाँ से उड़
उड़ गई थी। थंडर और जोम सनी को पकड़कर अपने राजमहल में ले जाते हैं। लिफ्ट के अंदर सनी पेगासाई से बहुत सारे सवाल पूछती है मगर उसे कुछ नहीं बताते। जेफरी हाइट सिटी जहाँ पेगासाई रहते थे, सनी और रिजी उसे देखकर काफी खुश होती है और उन्हें पता चलता है कि पेगासाई की रॉयल फैमिली का आज जश्न होने वाला है। पिप जो की पेगासाई की राजकुमारी है, वो सभी को लाइव आकर बताती है कि वो आज रात के जश्न में गाना गाने वाली है। थंडर और जोम सनी को पकड़कर क्वीन हेवन के पास ले जाते हैं और से बताते हैं कि हमें दो घुसपैठिए मिले हैं। हेवन दोनों को देखकर चौंक गई क्योंकि उसे लगा कि सनी और रिजी आज रात के जश्न में हमला करने आए थे, इसीलिए वो दोनों को जेल में बंद कर देती है और सनी से उसकी किताब ले लेती है। वही स्प्राउट इंस्पेक्टर बनकर सभी लोगों की मदद करने जाता है मगर सभी उससे कहते हैं कि अगर हिच यहाँ होता तो सब कुछ संभाल लेता। स्प्राउट कहता है कि यूनिकॉर्न्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं और अपने साथ पेगासाई को भी ला सकते हैं, इसीलिए सभी को गाना गाकर कहता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें कुछ करना होगा। वहीं सनी जेल के अंदर बंद होती है। जेल काफी अच्छी थी जिसकी वजह से इजी को जेल काफी पसंद आती है। सनी जी से कहती है कि राज परिवार के सिवाय हमने किसी और पेगासाई को उड़ते नहीं देखा। जिप सनी और इजी के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे जादू के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, मगर उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न्स ने भी अपना जादू खो दिया है। जिप सनी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। सनी कहती है कि मेरे डेट की थी, तभी वहाँ पिप आती है और वो सनी और इजी के साथ सेल्फी लेती है। सनी उसे पूछती है कि बाकी की पोनी क्यों नहीं उड़ रही है। पिप झूठ बोलती हुई कहती है कि सिर्फ राज परिवार के लोग ही उड़ सकते हैं और अगर ऐसा रहता कि हम सभी को उड़ना सिखा सके तो हम उन्हें जरूर उड़ना सिखाते। जिप सनी और इजी को जेल से बाहर निकालती है और अपने साथ ले जाती है। वहीं सनी को ढूंढता हुआ जेफरी हाइट्स के पास पहुंच गया था जहां उसे सनी के वहां होने के कई सारे सबूत मिलते हैं। वहीं जिप सभी को अपने साथ एक पुराने स्टेशन ले जाती है। सनी वहां लगी फोटो को देखकर कहती है कि ये सबूत है कि सभी पोनीस पहले साथ रहते थे, मेरे डेट सही थे। जिप कहती है कि हम उड़ नहीं सकते, हम बस उड़ने का नाटक करते हैं और एक मशीन की मदद से उड़ते हैं। जिप सनी और सेम को एक तार दिखाती है जैसा कि सनी की डायरी पर बना था और उन्हें पेगासाई क्रिस्टल दिखाती है जो रानी के क्राउन का पार्ट था। सनी पेगासाई के क्रिस्टल को नीचे बनी एक डिजाइन से जोड़ती है जिससे उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न्स और पेगासाई के क्रिस्टल अलग हो गए हैं, इसीलिए शायद तुम्हारा जादू गायब हो गया। अगर हम उन्हें फिर से जोड़ दें तो तुम्हारा जादू फिर से आ जाएगा। जिप कहता है कि हम यूनिकॉर्न्स क्रिस्टल कहाँ से लेकर आएंगे। इजी कहती है कि यूनिकॉर्न्स क्रिस्टल हमारे पास ब्राइडलवुड में डेरो है। तो जिप बताता है कि पेगासाई का क्रिस्टल मॉम के क्राउन में है। मॉम के सर से क्रिस्टल लेना मुश्किल है क्योंकि अपना क्राउन कभी नहीं उतारती, इसीलिए आज रात के प्रोग्राम में हम मॉम के क्राउन को नकली क्राउन से बदल देंगे। इजी कहती है कि मैं नकली क्राउन बना सकती हूँ मगर मुझे कुछ सामान चाहिए। जीप इजी को नकली ताज बनाने के सामान लाकर देती है और ताज को चुराने का एक प्लान बनाता है। वही हेवन जीप से कहती है कि तुम जेल में गई थी। जीप कहता है कि पेगासाई के पास जादू नहीं है और उनका हमारे उड़ने से कोई लेना देना नहीं। हेवन जीप पर गुस्सा होती है और उसे डांटने लगती है और सभी जश्न में चले जाते हैं। जहाँ पिप गाना गाती है तभी पीछे से सभी हेवन के क्राउन को नकली क्राउन से बदल देती है और वहाँ से भागने लगती है मगर उनके पीछे एक डॉग पड़ गया था जो हेवन का था। सनी और इजी को हिच भी देख लेता है। डॉग सभी के हाथ से क्राउन लेकर भागता है और उसे रानी को देने जाता है। जिप डॉग से क्राउन लेने की कोशिश करता है मगर डॉग क्राउन लेकर भाग जाता है। सनी और इजी कंट्रोल रूम के अंदर चली गई थी जहाँ से पिप को रस्सी की मदद से उड़ाया जा रहा था। कंट्रोल रूम का ऑपरेटर इजी और सनी को देखकर डर गया जिसकी वजह से वो गलत बटन दबा देता है और लाइट हिच की ओर घूम जाती है। हिच गाना गाने की कोशिश करता है मगर सभी को पता चल गया था कि अर्थ पेनी है और गलत कमांड देने से लोगों को ये भी पता चल जाता है कि राज परिवार नहीं उड़ सकता। जिप क्राउन को लेकर सनी को दे देता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं मगर उनसे क्राउन ही गिर जाता है। सनी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। हिच कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया था। सभी पोनीस को पता चल जाता है कि राज परिवार उड़ नहीं सकते जिसकी वजह से वो काफी डरते हैं और अर्थ पोनी को इसका जिम्मेदार बताते हैं। सनी देखती है कि उसके पास क्रिस्टल नहीं है। तभी पिप उनके पास आती है और उनसे क्रिस्टल चुराने की वजह पूछती है। जी पिप से कहता है कि अगर हमें क्रिस्टल मिल जाए तो हम हमारे मैजिक को वापस ला सकते हैं और सभी पिप के पीछे चले जाते हैं। वहीं स्प्राउट अपनी फैक्ट्री के अंदर हमला करने की मशीन बनाता है ताकि वो पेगासाई को मार सके। वहीं सनी और उसके साथी यूनिकॉर्न्स का क्रिस्टल लेने ब्राइडलवुड जाते हैं मगर नदी के ऊपर का पुल टूटा हुआ था जिसकी वजह से वो उसे पार नहीं कर पा रहे थे। एजी नदी
नदी को पार करने के लिए एक पेड़ को गिरा देती है, जिसकी वजह से सभी आसानी से नदी पार कर लेते हैं। रात होने की वजह से सभी आग जलाकर वहीं रुक जाते हैं। इस सभी से अलग रहता है क्योंकि उसे लगता है कि सनी और उसके साथियों को उसकी जरूरत नहीं है। सनी से कहती है कि तुम यहाँ आए इसीलिए हम सभी काफी खुश हैं। ये सुनकर हिज भी उनके पास आकर बैठ गया और इजी से पूछता है कि तुम अर्थपेनी के पास क्यों आई थी। इजी बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे अर्थपेनी का एक लेटर मिला था जिसकी वजह से मैं यहाँ आई और वो लेटर सनी ने लिखा था। सनी कहती है कि यह मैंने अपने पिता के साथ मिलकर लिखा क्योंकि हम सभी पोनीज को एक करना चाहते थे। सनी की बात सुनकर सभी खुश होते हैं और हिज भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। अगले दिनों सभी यूनिकॉर्न से उनका क्रिस्टल लेने जंगल में जाते हैं जो कि काफी डरावना था। इजी सभी को अपने साथ अपने घर ले जाती है जो कि काफी खूबसूरत था। सनी जी से सभी को यूनिकॉर्न बनाने को कहती है। इजी सभी को यूनिकॉर्न की तरह तैयार करती है जिसकी वजह से वो सभी असली के यूनिकॉर्न लगते हैं और वो सभी को अपने साथ एक पोनी के पास ले जाती है जो क्रिस्टल को कलेक्ट करता था। मगर वो कहता कि पहले मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल थे मगर मैं एक लूडो गेम हार गया जो अब अल्फा बीटल के पास है। अल्फा बीटल एक यूनिकॉर्न पोनी है जिसे शब्द लगाना काफी अच्छा लगता है और उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से जो भी इंसान डरता है उसे उसके बारे में पता चल जाता है। सनी को क्रिस्टल दिखता है जिसे देखो अल्फा बीटल के पास गेम खेलने जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे खेल में हरा देगी और उसे क्रिस्टल के लिए चैलेंज करती है और पेगासाई के क्रिस्टल को दांव पर लगाती है। अल्फा बीटल उसके साथ एक डांस का कॉम्पिटिशन करता है जिसमें सनी उसे हरा देती है मगर सनी के सर से सींग गिर जाता है जिसकी वजह से अल्फा बीटल को पता चल जाता है कि सनी एक अर्थपेनी है। अल्फा बीटल सनी पर गुस्सा होकर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया इसीलिए तुम मुझे क्रिस्टल वापस दो। हिज तभी ना वाले शब्द बोलता है क्योंकि यूनिकॉर्न्स अंधविश्वासी थे और ना शब्द सुनने पर वो सभी अपनी नजर उतारने लगे जिससे मौका पाकर सनी सभी के साथ क्रिस्टल लेकर वहाँ से भाग जाती है। उनके पास क्वीन हवेन भी आती है जिसे जनता से झूठ बोलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था मगर वो जेल से भाग आई थी। उसके साथ उसका डॉग भी आता है जो हिज को उसका खोया हुआ ब्रॉन्ज वापस देता है जिसे देखकर हिज काफी खुश होती है। अल्फा बीटल भी वहाँ जाता है और अपना क्रिस्टल वापस मांगता है। क्वीन हेवन उसे क्रिस्टल देने से मना कर देती है और सभी वापस से बहस करने लगते हैं और एक दूसरे को जादू से मारने की धमकी देते हैं जिन्हें देखकर सनी कहती है कि किसी भी पेनी के पास जादू नहीं है पर हम उसे वापस लेने आए हैं। सभी उनकी बात मान जाते हैं। सनी और इजी मिलकर दोनों क्रिस्टल को एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर वो काम नहीं करता जिसे देखकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। सनी और उसके साथी इस बात से काफी ज्यादा उदास होते हैं। सनी अल्फा बीटल और हेवन को अपना अपना क्रिस्टल देती है और सभी से माफी मांग कर वहाँ से चली जाती है। हिज भी सनी के साथ आ जाता है। सनी अपने घर पर आ जाती है और सभी पेनी टॉयज को एक बॉक्स में रखकर एक टेबल में रखे कागज को देखती है। तभी पेनी को टेबल पर क्रिस्टल जैसी आकृति दिखती है जिसे छूने से उसके पिता द्वारा बनाए गए क्रिस्टल से लाइट जलती है। सनी उसे उठाकर टेबल के ऊपर रखती है जिससे वो समझ जाती है कि तीनों प्रजातियों के क्रिस्टल के मिलने से सभी पोनीज का जादू वापस आ जाएगा और वो दौड़कर हिज को इसके बारे में बताती है। तभी वो देखती है कि सभी पोनीज स्प्राउट के पास जा रहे हैं। वो उनके पीछे स्प्राउट के पास जाते हैं और से कहते हैं कि पेगासाई और यूनिकॉर्न हमारे दोस्त बन सकते हैं और किसी के पास जादू नहीं है मगर स्प्राउट उनकी बात नहीं मानता और सभी से कहता है कि मैं तुम्हारा चीफ हूँ तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अपनी फैक्ट्री में एक रोबोटिक कार बनाकर सभी पोनीज के ऊपर हमला करने जाता है। सनी और हिज बाकी पोनीज को भी इस बारे में बताने जाते हैं मगर सभी पोनीज सनी के पास आ गए थे। स्प्राउट अपने सैनिकों से उनके ऊपर हमला करने को कहते हैं। सनी सभी से कहती है कि हम जादू की मदद से बच सकते हैं और वो सभी क्रिस्टल लेकर वहाँ से भागने लगती है। हिच और जीप मिलकर स्प्राउट को रोकने की कोशिश करते हैं मगर ऐसा नहीं कर पाते। सनी सभी के साथ अपने घर पर तीनों क्रिस्टल को एक साथ रखती है मगर स्प्राउट घर को तोड़ने लगता है और सभी के ऊपर हमला करता है। सनी के हाथ से सभी क्रिस्टल गिर गए जिसे ढूंढ कर वो फिर से जोड़ने की कोशिश करती है। स्प्राउट की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है मगर उनकी बात नहीं सुनता और घर को तोड़ देता है। सनी सभी क्रिस्टल को जोड़ देती है मगर वो काम नहीं करते जिसकी वजह से सनी काफी उदास होती है और सभी से कहती है कि अगर हम सब दोस्त बन जाए तो वही हमारे लिए असली जादू होगा। सभी सनी की बात मान लेते हैं जिसकी वजह से तीनों क्रिस्टल हवा में उड़ने लगते हैं और सनी को भी अपने साथ हवा में उड़ाते हैं जिसकी वजह से सनी में तीनों पोनीज की शक्तियाँ आ जाती है और सभी पोनीज का जादू भी वापस आ जाता है। पेगासाई भी हवा में उड़ने लगते हैं। यूनिकॉर्न्स के सिंह फिर से चमक
चमकने लगते हैं। ये देखकर सभी काफी खुश हुए और सभी पोनीज पहले की तरह मिलकर रहने लगे और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।